हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्विकर टेक यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एक बिन फाइल फॉर्मेट को आईएसओ में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, पावर आईएसओ। तो मेरे पास पहले से ही डाउनलोड है, तो आप ब्राउज़र से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप ब्राउज़र में जाइए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना ब्राउज़र खोल लेता हूँ और यहाँ पर न्यू टैब में पावर आईएसओ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहली लिंक जो खुल के आई है powerISO.com, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का पेज है। तो यहाँ पर 32-bit 64-bit विंडोज़ के लिए है। अगर आपके पास लिनक्स है तो यहाँ पर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी है। ये यहाँ पर है विंडोज़ के लिए, आप विंडोज़ से डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर। और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर है लिनक्स के लिए, मेरे पास लिनक्स है तो लिनक्स के लिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं 64-bit 32-bit लिनक्स के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर कैसे इसको इंस्टॉल करना है, यहाँ पर कैसे रन करना है, तो यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। तो कुछ इस तरह का पेज है, आप यहां से डाउनलोड कर लें। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, तो मैं टर्मिनल ओपन करता हूं और यहां पर मैं फुल व्यू में दिखाता हूं आपको। यहां पर थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, यहां पर मैं चला जाता हूं जहां पर मैंने इसको सेव करा है, इस फाइल को जो पावर आईएसओ की है, सीडी डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट्स, तो एंटर। और यहाँ पर मैं एलएस दबा के देख लेता हूँ, यहाँ पर है मेरी जो मैंने डाउनलोड करा, इंस्टॉल करा है इसमें। तो इसमें सीडी पावर डॉट आईएसओ पावर आईएसओ हाइफन x64, तो एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पर cd.power.powerISO.sh, एंटर। और यहाँ पर कुछ इस तरह का खुल के आएगा आपका एक विंडो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके लिए हमें कन्वर्ट करना होगा बिन फाइल को। और यहाँ पर टूल्स में जाकर, यहाँ पर कन्वर्ट टूल्स में जाकर कन्वर्ट पे क्लिक कर देता हूँ, कन्वर्ट। और यहाँ पर मैं वो फाइल बिन फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ कहीं भी मेरी सेव है। तो आप देख लें कहाँ पर आपकी जो बिन फाइल है वो सेव है। और यहाँ पर मैं चला जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स में, और यहाँ पर देख सकते हैं आप काले लिनक्स की बिन फाइल है, तो यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं इसका पाथ सेलेक्ट कर लेता हूँ कि कहाँ पर आईएसओ को सेव करना है, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ क्विकर टेक पे इस फोल्डर में सेव करना है आईएसओ फाइल को। तो यहाँ पर सब कुछ हो चुका है, इसको ऐसे ही रहने दे स्टैंडर्ड आईएसओ इमेज। और यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पर नो क्लिक करना है, तो इस पर नो पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा,
तो यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं। तो जब तक ये हो जाएगा तब तक आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हो चुका है। और यहाँ पर ये हो चुका है कन्वर्ट। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जहाँ पर मैंने इसको सेव किया था, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैं चला जाता हूँ होम में, कहाँ पर, हाँ होम में चला जाता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर जो क्विकर टेक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ISO एक इमेज बन के आ चुकी है, आप ये देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये एक बिन फाइल से ISO में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ऐसी वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप एथिकल हैकिंग में भी इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल पर मैं एथिकल हैकिंग से रिलेटेड भी वीडियोस डालता रहता हूं, तो आप सब्सक्राइब कर दें। और जहां कहीं भी इस वीडियो में आपको डाउट है कहीं पे, तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि यहां पर हमारा डाउट जो है क्लियर कर दें, तो मैं कोशिश करूँगा कि रिप्लाई दे सकूँ। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही।